एमएस स्टडी पॉइंट में आप लोगों के स्वागत है। आइए आज हम लोग वीडियो के माध्यम से कुछ अलजेब्रा के क्वेश्चन आज हम लोग हल करेंगे। क्वेश्चन है कि यदि एक्स प्लस वन बटा एक्स बराबर पांच है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन है यदि एक्स प्लस वन बटा एक्स बराबर सात है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखेंगे, एक्स प्लस वन बटा एक्स बराबर पांच है, ठीक ना। इसको लिखेंगे एक्स प्लस वन बटा एक्स के पावर चढ़ा देंगे, ठीक। यानी एक्स प्लस वन बटा एक्स है तो लिखे हैं कि छोटा कुछ एक्स प्लस वन बटा एक्स के पावर चढ़ा दी, यानी एक्स प्लस वन बटा एक्स का होल स्क्वायर, ठीक ना। ये हम फॉर्मूला बताए थे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, क्लियर। ये एक्स जो है ये ए है, तो ए के मान अगर हम मान लेते हैं कि एक्स है ऊपर पावर है तो पावर बैठा देते हैं, फिर यहाँ बी है तो बी के मान है वन बटा एक्स, तो यहाँ लिखेंगे वन बटा एक्स के स्क्वायर कर देंगे, प्लस है तो प्लस कर देंगे, दो है तो दो लिखेंगे। फिर यहाँ ए है तो ए के मान है एक्स, तो यहाँ एक्स लिखेंगे, एन इंटू बी के मान वन बटा एक्स है तो लिखेंगे वन बटा एक्स, एक से एक्स कटा देंगे, उसके बाद से क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर प्लस टू बच जाएगा, ठीक ना। यही यहां उतारेंगे, लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर, यहां देखिए एक्स स्क्वायर है, यहां यहां प्लस है तो प्लस रखेंगे, पर वन बटा एक्स स्क्वायर यहां है, प्लस है तो प्लस कर देंगे। फिर लिखेंगे टू, टू इंटू एक्स इंटू वन बटा एक्स कर देंगे, ठीक ना। यहां एक से एक्स कट जाएगा, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर प्लस टू है तो टू बचेगा, एक्स प्लस वन बटा एक्स के मान यहां पांच है तो यहां पांच रखेंगे, पावर है तो पावर कर देंगे, क्लियर। पाचा पच्चीस लिखेंगे बराबर, लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर प्लस टू कर देंगे, ठीक। ये पच्चीस में से ये दो को हटा लेंगे, यानी पच्चीस माइनस दो कर देंगे, फिर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर, लिखेंगे पच्चीस में से दो घटेगा कितना हुआ तेईस, लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर, लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर बराबर तेईस हो गया, यही तो आपका आंसर हो गया, ठीक ना। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन को हल करेंगे, सेम एकदम इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन एक्स प्लस वन बटा एक्स है, लिखेंगे एक्स प्लस वन बटा एक्स का होल स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद से इसको तोड़ेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर को, अभी हमने यहां बताए हैं, या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, बताए ना फॉर्मूला, उसी फॉर्मूला को बिठा रहे हैं, फिर लिखेंगे प्लस डाल के टू इंटू एक्स इंटू वन बटा एक्स कर देंगे, एक्स प्लस वन बटा एक्स के मान कितना है यहाँ सात दिया है, ठीक है, इसकी जगह पर सात लिख देंगे, पावर चढ़ा देंगे, फिर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स एक्स कट जाएगा दो हो जाएगा, यहाँ सात सात
49 कर देंगे, x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर अब प्लस यहां 2 कर देंगे, 49 में से 2 हटाएंगे, x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर कर देंगे, ठीक ना। 49 में से 2 हटाएंगे कितना हुआ 47, लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर कर देंगे, तो x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर बराबर 47, यही आंसर हो गया, ठीक ना। यानी कोई भी अलजेब्रा के इस तरह के क्वेश्चन को आप इस क्वेश्चन पर हल कर सकते हैं, यानी क्वेश्चन इसको हल करने के लिए ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, इसी फॉर्मूला को हमने हल किया, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यही फॉर्मूला लगाए हैं दोनों क्वेश्चन पर। यहां देख लीजिए, जैसे ये a हो गया ये b हो गया, तो a के जगह पर ये बैठा है, b के जगह पर ये बैठा है, देखिए ना, ये a मान है यहां x स्क्वायर कर दिए, प्लस है तो प्लस कर दिए, यहां देखिए, फिर b के मान है 1 बटा x तो यहां 1 बटा x के स्क्वायर कर दिए, फिर यहां प्लस है तो प्लस रख दिए हैं, 2 है तो 2 कर दिए हैं, फिर a के मान है x तो यहां x रखे हैं, फिर b के मान है 1 बटा x तो यहां 1 बटा x करते हैं, जो कटाए हैं उसके बाद हटा लिए, यानी क्वेश्चन कह रहा है ना कि x स्क्वायर प्लस 1 बटा x का मान ज्ञात करने के लिए, यहां देखिए x स्क्वायर प्लस 1 बटा x बराबर 47, यही आंसर होगा।